जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अजीम बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया से। जी जी माशाल्लाह। मिस्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं इंडोनेशिया में रहता हूँ, आप अमेरिका में रहते हैं, मैं आपसे बैक होना चाहता हूँ, तो इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस है जो मैं अदा करूँ आपसे बैक होने के लिए? बस मेरा ये है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हाशिम साहब, आप इंडोनेशिया से कॉल करते हैं, आपकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो बड़ा अच्छा आपने ये सवाल उठाया, और मज़े की बात है कि आज ही हमने जो है ये ऑनलाइन बात करनी है, कि हमने ये सिलसिला कायम कर रखा है कि हर महीने के जो सेकंड जो है संडे होगा, सेकंड संडे में हम ऑनलाइन बैत किया करेंगे। इंशाल्लाह आज ही जो है वो आखिरी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम बैत करेंगे और ऑनलाइन हम वो तलकीन के अल्फाज दोहराएंगे। आप इंडोनेशिया में बैठ के जो है उन अल्फाज को दोहरा लीजिए, इंशाल्लाह आप मेरे सिलसिला बैत में दाखिल हो जाएंगे और फिर जो है मज़ीद जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूँगा। इंशाल्लाह आज ही हम बैत करेंगे, जो भी बैत के ख्वाहिशमंद हैं तो आज जो है वो तैयार रहें, इंशाल्लाह आखिरी ब्रेक के बाद हम बैत करेंगे और आप जो सिलसिले बैत में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कबूल मंजूर फरमाए। अभी जो है इंशाल्लाह नाजरीन बैत होगी, और मैंने जैसे अर्ज किया था कि अंग्रेजी महीने के जो है वो सेकंड संडे हम बैत किया करेंगे, तो आज अलहम्दुलिल्लाह सेकंड संडे है, इसलिए आप सब हजरात बैत के लिए तैयार हो जाइए। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है बैत करेंगे। मैं खुतबे के अल्फाज कहूँगा, तो खुतबे के अल्फाज के बाद जो है वो जो मैं अल्फाज कहूँगा उनको आप जो दोहराते रहिएगा, और जो लोग दोहरा लेंगे वो मेरे सिलसिला बैत में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी अगर सुनेंगे और उसमें भी अल्फाज को दोहरा लेंगे तो वो भी मेरे हल्का बैत में दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा फिर वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे इतला कर दें कि हमने वो बैत कर ली है, आप मज़ीद हमें रहनुमाई करें, तो मैं फिर मज़ीद जो मामूलात उनको भेज दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 3474589061, इसके ऊपर जो है आप वो भेज देंगे मैसेज कि हमने बैत कर ली है ऑनलाइन, लिहाजा फिर आपको मज़ीद मैं रहनुमाई करूँगा और उसके मुताबिक आप जो इससे जो है वो रूहानियत के सफ़र को आगे से आगे ले कर चलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मा सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, और इस बात पर कि हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की जानिब से है, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर हमने बैत की सिलसिला चिश्तिया साबरिया में हज़रत अक़दस शहीद इस्लाम मौलाना मुहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुनीर अहमद अखून के हाथ पर हमने तौबा की, कुफर से, शिर्क से, बिदत से, गुनाह कबीरा से हम अहद करते हैं, कुफर नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, बिदत नहीं करेंगे, गुनाह कबीरा नहीं करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो फौरन तौबा करेंगे। हम अहद करते हैं नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे, अगर साहिब निसाब हुए तो ज़कात अदा करेंगे, अगर हज फ़र्ज़ हुआ तो हज अदा करेंगे, शरीयत के तमाम हुक्मों को दिलो जान से पूरा करेंगे। हम अहद करते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, नाहक किसी को नहीं सताएंगे, चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, जिना नहीं करेंगे, बोतान नहीं लगाएंगे। जिन चीज़ों से शरीयत ने मना किया है उनसे बाज आएंगे। अल्लाह ताला
ہماری بیعت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے ہیں، جن جن لوگوں نے الفاظ دہرا لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بیعت کو قبول و منظور فرمائے، اور بیعت کا جو مقصد ہے اصلاح باطن، تزکیہ نفس، وہ تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی جو منزل ہے ہمیں عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم و معرفت کے دروازے کھول دے۔ اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس حلقہ بیعت میں داخل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی اس بیعت کو قبول و منظور فرمائے، اور بیعت کے انوارات ان کو عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت باطنی عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ظاہر کہ میرے ذریعے سے آپ اس روحانی سلسلے کا سفر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سینہ منور ہے کہ جس کے نورانی شعاؤں سے جو ہے ہمارے قلب کے تزکیے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ہے ظاہر باطن کی زندگی کی راہیں جو سنورتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور آپ کی خاص نظر کرم ہمیں اور آپ سب کو جو ہے اللہ خوب خوب عطا فرمائے۔ جو بیعت ہو گئے ہیں وہ میں نے جیسے عرض کیا، وہ میرے اس واٹس ایپ کے نمبر پہ لکھ دیں تو میں انشاءاللہ مزید ان کو رہنمائی کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔